हरिद्वार धर्म संसद के खिलाफ बरेली में बुलाई गई मुस्लिम धर्म संसद इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल यानी आईएमसी अध्यक्ष तौकीद रजा ने 7 जनवरी को बरेली में बुलाई मुस्लिम धर्म संसद। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल यानी आईएमसी के अध्यक्ष तौकीद रजा खान का विवादित बयान, तौकीर ने मुस्लिमों को हिंसा के लिए उकसाने वाला दिया बयान। आईएमसी अध्यक्ष तौकीद रजा ने कहा मुस्लिमों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी बर्दाश्त नहीं, हम हाथ बांधे खड़े नहीं रहेंगे, दंगा होगा। तौकीद रजा ने मुस्लिम धर्म संसद के लिए मुस्लिमों से बरेली के इस्लामिया मैदान में जुटने की अपील, 20,000 मुसलमानों के जमावड़े का किया दावा। तौकीद रजा ने देश के शासन प्रशासन पुलिस सियासत और यहां तक के कानून और अदालतों से भी मुस्लिमों का भरोसा टूटने का दावा किया, मुस्लिमों को और उकसाया। नाथूराम गोडसे पर फिर गरमाई सियासत, कालीचरण की गिरफ्तारी के खिलाफ अब अलीगढ़ में भी धर्म संसद बुलाने का ऐलान। निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर पूजा शकुन पांडे ने किया ऐलान, लेडी गोडसे के नाम से मशहूर है पूजा पांडे। आज गृहमंत्री अमित शाह का अयोध्या दौरा, हनुमानगढ़ी और रामलला के करेंगे दर्शन, जीआईसी मैदान पूरी तरह से तैयार, शाह का संबोधन का भी कार्यक्रम। अमित शाह आज अयोध्या में रामलला जन्मभूमि के दर्शन के साथ ही मंदिर के निर्माण कार्यों का भी करेंगे निरीक्षण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कानपुर रैली में साजिश पर बड़ा खुलासा, 1 महीने पहले रची गई थी हिंसा भड़काने की साजिश। पकड़े गए 5 आरोपियों से पूछताछ में खुलासा, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने रची थी हिंसा भड़काने की साजिश। असदुद्दीन ओवैसी पर साक्षी महाराज का बड़ा प्रहार, ओवैसी पर दिया विवादित बयान, कहा हैदराबादी भाईजान दे रहे हैं धमकी। उत्तर प्रदेश के डीजीपी का चुनाव को लेकर के बड़ा बयान, का वोटों के गणित बिगाड़ सकते हैं बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान, चुनाव में इनके दखल को रोकने पर एटीएस बना रही है रणनीति। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बेटे योगेश मौर्य का सियासी बवाल, उनके बयान पर योगेश ने दिया था विवादित बयान, कहा तुम मुस्लिम तुष्टिकरण करते रहो, हम हिंदू तुष्टिकरण करेंगे, हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। आज उत्तर प्रदेश के रायबरेली में सीएम योगी का एक दिवसीय दौरा, जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। नए साल में देवबंद को बड़ी सौगात देंगे सीएम योगी, 4 जनवरी को एटीएस सेंटर का करेंगे शिलान्यास, 100 से ज्यादा कमांडो उसकी तैनाती। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से सीएम योगी का विपक्ष पर जोरदार हमला, कहा 2017 से पहले पर्व और त्योहार पर होते थे दंगे, पहले की सरकारें आस्था पर कर रही थी प्रहार। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में सीएम योगी ने भरे हुंकार, कहा बीजेपी ने अपने वादों के मुताबिक किए काम, 4.5 सालों में नहीं हुआ एक भी दंगा। सीएम योगी ने कहा पिछली सरकारें दंगाइयों को देती थी शरण, प्रदेश में था अराजकता का माहौल, उत्तर प्रदेश को बना दिया था परिवारवाद की जागीर। उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने कानपुर पीयूष जैन मामले को लेकर अखिलेश यादव पर कसा तंज, अखिलेश की सरकार के वक्त लूटी गई जनता की गाड़ी कमाई। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एसपी सुप्रीमो पर बरसे अमित शाह, बोले इत्र कारोबारी के यहाँ 250 करोड़ मिलने से अखिलेश यादव परेशान क्यों। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में अमित शाह का विपक्ष पर प्रहार, कहा बुआ बबुआ के राज में लोग पलायन करने को थे मजबूर, पिछली सरकारों ने सिर्फ भ्रष्टाचार किया। खुद से बीजेपी सांसद रवि किशन का विपक्ष पर हमला, कहा चुनाव से पहले ही यूपी में हार चुका है विपक्ष। रवि किशन बोले उत्तर प्रदेश को सीएम योगी ने विराट बना दिया है, गोरखपुर अब गोवा बैंकॉक मॉरिशस को टक्कर देगा। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में ओम प्रकाश राजभर ने भारतीय जनता पार्टी पर साधा निशाना, कहा योगी मोदी के सांड किसानों की फसल चट कर रहे हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी में विपक्ष पर बरसे पीएम मोदी, कहा कुछ लोगों ने अफवाह फैलाने की खोल रखी है दुकान, जनता इन लोगों की जान चुकी है सच्चाई। पीएम मोदी का विपक्ष पर निशाना, कहा ये लोग कहते थे उत्तराखंड को लूट लो बस सरकार बनी रहनी चाहिए, इन लोगों ने उत्तराखंड को दोनों हाथों से लूटा। हल्द्वानी में पीएम मोदी ने कहा जनता का प्यार बीजेपी के साथ, हमारा जोर विकास कार्यों पर। उत्तराखंड को पीएम मोदी ने दी बड़ी सौगात, हल्द्वानी में 17,500 करोड़ की 23 परियोजनाओं का किया शिलान्यास। पीएम मोदी ने कहा हल्द्वानी के लिए 2000 करोड़ की योजना ला रहे हैं, पानी सीवरेज सड़क और पार्किंग में अभूतपूर्व बदलाव होगा। महात्मा गांधी को लेकर अपशब्द बोलने वाले कालीचरण को 2 दिन की पुलिस रिमांड, रायपुर जिला कोर्ट का आदेश, देशद्रोह के आरोप में खजुराहो से हुई थी गिरफ्तारी। कालीचरण की गिरफ्तारी के बाद से सियासत गर्म, इस मामले में मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ की सरकार आमने सामने। कालीचरण की गिरफ्तारी पर सियासत चरम पर, कांग्रेस ने गिरफ्तारी का वीडियो पोस्ट करके लिखा जय भारत जय संविधान, नहीं सहेंगे बापू का अपमान। आपके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आज पटियाला में शांति मार्च, पंजाब की शांति और समृद्धि को समर्पित होगा मार्च।
पंजाब विधानसभा चुनावों के लिए आम आदमी पार्टी ने 8 उम्मीदवारों की छठी लिस्ट की जारी। 117 में से अब तक 96 नामों का खुलासा। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत पर जश्न। चंडीगढ़ में केजरीवाल ने निकाला विजय मार्च। दिल्ली मेट्रो पर भी छाया कोरोना का साया। अब एक कोच में सिर्फ 25 यात्री कर सकेंगे सफर, खड़े होकर ट्रैवल करने की मंजूरी नहीं। अब 8 कोच वाली मेट्रो में सिर्फ 200 यात्री कर पाएंगे ट्रैवल। सामान्य हालत में यह आंकड़ा 2400 यात्रियों तक रहता था। दिल्ली के उच्च न्यायालय और जिला अदालतों में 3 से 15 जनवरी तक वर्चुअली होगा काम। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते लिया फैसला। राजधानी में बेकाबू कोरोना के बीच बोले दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, केंद्र पहले फ्लाइट रोक देता तो दिल्ली में नहीं फैलता ओमिक्रॉन। सत्येंद्र जैन ने ओमिक्रॉन के कम्युनिटी स्प्रेड की आशंका की व्यक्त, कहा दिल्ली में 46% केसेस ओमिक्रॉन के। सत्येंद्र जैन ने कहा जिन लोगों ने हाल में कोई यात्रा नहीं की है वो भी ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित हैं। धीरे धीरे सामुदायिक स्तर पर फैल रहा है ओमिक्रॉन। कोरोना के बढ़ते मामलों से स्वास्थ्य मंत्रालय बेहद चिंतित। 33 दिन बाद एक दिन में 10,000 से ज्यादा केस आए सामने। दिल्ली में कोरोना और ओमिक्रॉन का कहर लगातार जारी। बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 1,313 नए मामले आए। कोरोना टीकाकरण को लेकर आईसीएमआर का बड़ा बयान, 9 महीने तक रहती है टीकाकरण की इम्यूनिटी। उत्तर प्रदेश एसटीएफ को बड़ी सफलता। गाजियाबाद से 50,000 के इनामी लोकेंद्र को किया गया गिरफ्तार। हत्या के मामले में 2 साल से चल रहा था फरार। प्रयागराज में 2 सगे भाइयों को गोली मारने के बाद इलाके में तनाव। गुस्साए लोगों ने आरोपियों के घर में लगाई आग। पुरानी रंजिश में दोनों भाई को गोली मारने की आशंका। तनाव को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती। उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने संभाला कार्यभार, कहा प्रदेश के लिए अच्छे से अच्छा करने की होगी कोशिश। देश में हो रहे परिवर्तन में यूपी सबसे आगे।